नमस्कार, मैं एमपी के फिटनेस क्लासेस की तरफ से आनंद सेठिया आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे सर्वांगासन और मत्स्यासन कैसे किए जाए। सर्वांगासन जैसे नाम से ही मालूम पड़ता है, सर्व अंग आसन। इस आसन का प्रयोग हम अगर रेगुलर करते हैं तो हमारे सारे अंग इससे मजबूत होते हैं, खास करके रक्त का प्रवाह मस्तिष्क की ओर ज्यादा होने से मेमोरी पावर बढ़ता है, थायराइड ग्रंथि पर प्रेशर पड़ने से हमें थायराइड की प्रॉब्लम में भी आराम मिलता है, और भी बहुत सारे फायदे इसके बताए गए, फेफड़े मजबूत होते हैं। तो सर्वांगासन लेट कर किया जाने वाला आसन, इसमें हम पहले लेट कर आसन की स्थिति में आते हैं, उसके बाद पैरों को धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर लेकर आते हैं। सर्वांगासन करने के बाद मत्स्यासन करना आवश्यक होता है, इसका विपरीत आसन बताया गया, तो हम दोनों आसन एक साथ आपको करके बता रहे हैं कैसे किया जाना चाहिए।